नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रमा त्यागी। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, महामारी के दौरान भारत ने अपने नागरिकों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के साथ ही जरूरतमंद देशों को भी की मदद। कहा, पोस्ट कोविड काल में अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की है जरूरत। प्रधानमंत्री ने G20 में अपने संबोधन में कहा, खाद्य और खाद्यान्न दोनों की निर्बाध आपूर्ति के लिए बनानी चाहिए आपसी सहमति। भारत में सतत खाद्य सुरक्षा के लिए प्राकृतिक कृषि को दिया बढ़ावा। G20 शिखर सम्मेलन से इतर, प्रधानमंत्री मोदी बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। देश भर में आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति ने झारखंड के उलिहातु गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर श्रद्धांजलि की अर्पित। मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित जनजातीय समागम को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। राज्य की 182 सीटों के लिए दो चरणों में होगा मतदान। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को होगी वोटिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने वाला प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव में यूक्रेन में क्षतिपूर्ति के लिए रूस से हर्जाने की मांग। प्रस्ताव के पक्ष में 94 सदस्यों ने दिया वोट, जबकि भारत समेत 73 देशों ने मतदान से बनाई दूरी। और अब बड़ी खबर पर विस्तार से नजर। और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं 17वें G20 शिखर सम्मेलन की। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन जारी है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कोविड-19 की चुनौती के बाद रूस यूक्रेन के युद्ध से उपजे सप्लाई चेन संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और यूक्रेन के घटनाक्रम में वैश्विक सप्लाई चेन की बात की। उन्होंने कहा कि ये प्रभावित हुए हैं, जरूरी चीजों की सप्लाई का संकट बरकरार है। यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं मौजूदा संकट पर निष्फल रही हैं। यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी राह तलाशनी होगी। इसके साथ ही बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति का संदेश। भारत ने कोविड के दौरान अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। जरूरतमंद देशों की भी खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की। उर्वरक की वर्तमान किल्लत दुनिया का एक बड़ा संकट। खाद और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित रखने की सहमति जरूरी। इसके साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए अहम, इस बात पर भी जोर दिया। एनर्जी सप्लाईज पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ है भारत। विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी आपूर्ति
अनिवार्य। तो बेहद महत्वपूर्ण बात है। और इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की। इससे पहले उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनौपचारिक मुलाकात पर अमेरिकी राज्य विभाग के हिंदी प्रवक्ता जेट बरार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री है और लोकतंत्र भारत और अमेरिका की दोस्ती का आधार है। हमारे साथ जेड तरार मौजूद है जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हिंदी स्पोक्स पर्सन है। सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन मिले G20 समिट में, एक वार्म्थ और एक बेहतरीन केमिस्ट्री देखी। इस बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? G7 में भी उनका सेम तरह का इंटरेक्शन रहा था। मेरे ख्याल में आप तस्वीरों को देख के ही समझ सकते हैं कि ये एक गर्मजोशी है, बाहमी है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच। और हाँ, ये भी है कि जो दोस्ती है अमेरिका और इंडिया के बीच वो एक बुनियाद पे है, और बुनियाद ये है कि हम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में अगर आप जितने भी वैश्विक समस्याएं हैं इस वक्त पूरी दुनिया में उनको अगर आप देखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिन पर अमेरिका और इंडिया एक साथ काम कर रहे हैं। G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे ख्याल में पूरी विश्व में वाहिद है, एक ही है। यानी कि जो G20 देश हैं वो 80% पूरी ग्लोबल इकॉनमी बनती है इससे। तो हम समझते हैं कि अगर हमने जो बहुत बड़े वैश्विक समस्याएं हैं इस वक्त पूरी दुनिया में उनको अगर हमने उनका मुकाबला करना है, उनका हल ढूंढना है हमने, तो हमने मिलकर करना। तो यही उम्मीद है कि हम G20 के जरिए करेंगे और आगे आने वाले साल जब इंडिया का प्रेसिडेंसी हुआ वही हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। मंजीत कृपलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक केफे हाउस मुंबई। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे G20 जैसा मंच उस पर कितनी मजबूत तरीके से ये बात उभर कर आई है कि अगर दुनिया में शांति की बात है, वैश्विक एकता की बात है, विकास की बात है, भारत उसमें बेहद जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपके यूएस स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इन दोनों में बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जरूर बात करनी है, उनको दिखाना है कि जो एक्शंस वो लेते हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाती है और प्रॉब्लम्स हो जाती है। अभी जो जंग चल रहा है वो जंग एक्चुअली हमारी जंग नहीं, तभी भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। और हम, चलो हम बड़े देश हैं, हमारी मैनेजमेंट की, देश की मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी है, हम मैनेज कर पाएंगे। तो जो हमसे थोड़े कम देशों हैं, छोटे देश हैं, उनका तो हालत बहुत खराब हुआ है। तो आई थिंक ये जो टाइम है, जो अपनी इंडिया की टर्न है G20 प्रेसिडेंसी, यही बेहतर टाइम है, क्योंकि हम बाहर जाके लोग को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल साउथ को, एंड हम ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी बात कर सकते हैं वन ऑन वन एज एन इक्वल, एंड ये बहुत बड़ी बात है। रमा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, इसे किस तरह से समझना चाहिए? एक्चुअली ये नई वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं ना, बहुत टाइम आने वाला था और एक्चुअली आ भी चुका है। और जो फैक्ट है अभी कि जो रूस की जंग में आधी दुनिया उसके साथ है और आधी दुनिया अमेरिका के साथ है, अमेरिका यूरोप, एंड एक्चुअली जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी ये जंग के साथ और उनकी एक्शंस के साथ, अभी हम COP 27 खत्म कर चुके हैं और जो वही चीज कह रहे हैं, अभी बहुत साल हो गए, वही चीज है, वही तमाशा है, कुछ बदलता नहीं। तो हमें देखना है कि ये जो बड़े बड़े देश कुछ कहते हैं
दिस इज आवर टर्न, अभी इंडिया का समय आया है जो हमको कहना है कि देखो आप लोग ने बहुत टाइम के लिए माना कि आपने बहुत लीड की है, अभी हमारा टर्न है, हमको चांस देना और हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत दुनिया है जो हम जैसे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं और डेवलपिंग देश हैं जिसकी बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, तो इसके लिए आई थिंक इंडिया इज द राइट कंट्री एट द राइट टाइम एंड ये हमारी चांस है, क्योंकि ये चांस नहीं मिलेंगे इसके बाद साल के G20 की सितंबर की समिट के बाद वी विल बी SCO के लीडर, उसके बाद डोंट फॉरगेट कि G20 की कंट्रीज जो है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वो IPSA है, IPSA की भी अपनी वो ग्रुपिंग की क्या कहते हैं क्लोजनेस है, उसके लिए भी हम साथ उनके साथ करके वी मस्ट रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ फॉर 3 years कंटिन्यूस। सो हमारी जो प्लान होनी चाहिए वो 3 साल की प्लान होनी चाहिए, नॉट जस्ट द ईयर ऑफ इंडिया बट द ईयर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड लेड बाय इंडिया। मंजीत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ से जाते वक्त कहा था कि जो आज के विश्व की ज़रूरत है, जो चुनौतियाँ हैं, जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उसमें जो भारत की प्रतिबद्धताएँ हैं उन्हें मजबूत तरीके से रेखांकित किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन हम देखते हैं, जो अलग अलग विषय उसमें उन्होंने लिए हैं, किस तरह से तमाम जो हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम भारत की भूमिका की बात कर रहे हैं G20 के लिए भारत और भारत के लिए G20, ये कितने मजबूत तरीके से उभर कर आया है। यस, वेल प्रधानमंत्री जो उसने कहा था उसका उसका जो विजन है पहले से हमने वो विजन इंटरनेशनल योगा डे से शुरू किए थे, तो दैट वाज ऑलरेडी पहले से ही वो होलिस्टिक विजन ऑफ द वर्ल्ड। फिर वसुदेव कुटुंबकम का पहले से यूनाइटेड नेशंस में पहले साल में कहा था 2014 में, और नाउ उसकी जो कंटिन्यूएशन है और जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिंप्लिसिटी, वो तो पहले से इस देश में सिंप्लिसिटी के लोग हमारी वो क्रीडो है कि हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, और आपको पता है ऑल्सो इंडिया पूरी दुनिया में चैंपियन रिसाइकलिंग है, रिसाइकलिंग एक्सपर्ट है, तो हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे देश में गरीबी है और हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया को अपनी एग्जाम्पल सेट करनी है, और हमारी जो सॉफ्ट पावर है भी बहुत पावरफुल है, ये भी चीज़ हमारी सॉफ्ट पावर होनी चाहिए, जो लोग कहते हैं हार्ड पावर वो हमारी सॉफ्ट पावर है और हम इसके साथ लीड कर सकते हैं, एंड आई थिंक वो ही हमारा मिशन होगा एक साल के लिए फॉर द नेक्स्ट। हमारी प्लान जैसे इंडिया बढ़ती जाती है ऐसी हमारी इमेज होनी चाहिए, नॉट फॉर हार्ड पावर, ऑफकोर्स हार्ड पावर इज नेसेसरी, पर ये सब चीजें सिंप्लिसिटी, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, ये सब सॉफ्ट पावर की यूसेजेस है, और हमको लगता है हम बहुत अच्छी तरह के साथ एग्जांपल सेट करते हैं दुनिया के लिए। मंजीत जी, जिस तरह से जिस स्थिति में भारत को प्रेसिडेंसी मिल रही है, इसकी मेजबानी मिल रही है एक साल के लिए, उस समय को किस तरह से देखती हैं, उस टाइमलाइन को किस तरह से देखती हैं, जब हम अलग अलग चुनौतियों की बात करते हैं? अलग अलग चुनौतियों एज इन जिस तरह की चैलेंजेस हैं उनकी जब हम बात करते हैं, और ये जब हम टाइमलाइन देखते हैं, और जबकि पूरे विश्व की नजर भारत पर भी है। यस, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों के लिए एक्चुअली नहीं हुई है, और अभी भी लोग कहते हैं स्टिल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री जब तक ये यहाँ आते हैं। सो आई थिंक दैट हमारी ग्लोबल स्थिति ये चांस है कि हम वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आके प्रवेश हुए, और 3-4 चीज हमारे फेवर में है। पहले देखो, टेक्नोलॉजी में अभी दुनिया बढ़ती जाती है, हम कुछ भी कहें पर इंडिया इज नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी, हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, और दूसरी चीज है जो एक्चुअली G20 के एजेंडा पे है, डिजिटल पब्लिक गुड्स, ये दुनिया में कहीं नहीं, और ये है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एंड अडेप्टेबल, जो इंडिया की एक्चुअली हम चीजें करती है, एंड इसके लिए इसके साथ हम बहुत साल हम ये नया रेवोल्यूशन है, और ये रेवोल्यूशन के साथ हम इंडिया हम दुनिया के सामने अपनी चीजें रह सक लगा सकते हैं दिखा सकते हैं
कि हम क्या कर पाते हैं, एक्चुअली एवरीबडी नोज ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया स्टैक बहुत देशों ने अडेप्ट की है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो कहीं कहीं जा रहे हैं, तो ये इस्तेमाल करके हमें दुनिया में आगे जाना है। और दूसरी चीज है हमारी, हम देश अभी इंडिया ट्रेड अग्रीमेंट्स में अभी शामिल हो रही है, आहिस्ते आहिस्ते हमारा टाइम हो गया और हम आहिस्ते आहिस्ते ट्रेड अग्रीमेंट्स में जा रहे हैं। सर्विसेज ट्रेड जो हमारी स्ट्रेंथ है, इसमें हम ये साल लेके हम सर्विसेज ट्रेड में जाके बहुत हमारी ताकत के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी बहुत हमारी बेनिफिट होगी और बहुत दूसरे सारे छोटे देश उसको भी सर्विसेज ट्रेड, क्योंकि हमारी हमारी स्ट्रेंथ है हमारी ह्यूमन कैपिटल, तो हमें ये ह्यूमन कैपिटल इस्तेमाल करके ये साल में वी मस्ट एस्टैब्लिश दैट। बिल्कुल, आप जिस तरह से ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, भारत ने इस जिस तरह से एक साख बनाई है, चाहे कोविड के दौरान जिस तरह से और देशों की स्थिति रही, और भारत ने न केवल अपने देश में जो स्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको बेहतर तरीके से उनका प्रबंधन किया, बल्कि विश्व के और देशों की भी मदद की, दवाइयों की बात है या फिर अन्न आपूर्ति की बात है, बहुत सी चीज़ों में। और जिस तरह से अभी एक जब क्राइसिस की बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, रूस यूक्रेन की बात करते हैं, उसमें जिस तरह से भारत की एक संतुलित भूमिका रही है, तो इससे भारत की समझ, भारत की कैपेसिटी जो आप बता रही हैं, उसकी सक्षमता, उसके प्रति कितना विश्वास बढ़ा है? बहुत विश्वास बढ़ा है। और एक चीज तो हमें करनी है, वो विश्वास रखनी है, और ऐसे रखना है क्योंकि हमारे देश में सब कुछ बहुत बहुत है, हमारे ह्यूमन कैपिटल बहुत है, पर हम रिसर्च ज्यादा नहीं करते, हम काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, पर वो एक्शंस है रिसर्च बिना। जब भी हमको दुनिया की रिस्पेक्ट मिलेगी, जब भी हम नंबर वन या नंबर टू या नंबर थ्री नेशन होंगे रिसर्च में, तो हमें हमारे सारे थिंक टैंक्स, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत आ रही हैं, हम जब भी वो रिसर्च करके और हम अपने व्यू दुनिया के सामने रिसर्च बेस्ड व्यू रखेंगे, तभी हमें रियली दुनिया की रिस्पेक्ट मिलेगी। ऑलरेडी वी हैव ट्रस्ट, उसके बाद हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, एंड वी मस्ट परस्यू दैट पाथ, क्योंकि वो ज्ञान का पाथ है और वो इंडिया की, वो हमारे हिंदुस्तान की अंदर है, हमारी DNA में। हम हमारी जब हम गायत्री मंत्र भी कहते हैं तो हम ज्ञान की मंत्र कहते हैं, सो वी मस्ट टेक एडवांटेज, हमारी ये नेचुरल एडवांटेज है और हमें ये इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और इस बढ़त में जो भारत की डिप्लोमेसी है, जो भारत की कूटनीति है, जो भारत की स्ट्रेटेजिक अगर जिसे कहें कि क्षमता है, उसे किस तरह से देखते हैं बढ़ते हुए, मजबूत होते हुए, क्योंकि G20 का भी एक मंच है और उसमें भारत को एक विश्वास के साथ देखा जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया है, तो इसको बढ़ाने में कितनी मदद मिली है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसको देखते हुए? रमा, पहले एक्चुअली वी हैव टू मेक श्योर कि ये पूरा साल तमाशा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टूरिज्म अपॉर्चुनिटी एंड सिर्फ मीटिंग्स एंड यू नो, ठीक 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 हम करते हैं मीटिंग्स और हमारी शादी जैसे लास्ट मिनट में सब आ जाएगा, नो, हमें प्लान करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग में, एंड इट इज नेवर टू लेट नाउ टू स्टार्ट, और वी मस्ट वेरी केयरफुली बी केयरफुल कि ये साल तमाशे की साल मत नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू हैव वेरी वेरी क्लियर एंड डिटर्मिंड एंड एक्शनेबल आउटकम्स। हमारे साल के अंत में लोगों को कहना चाहिए, हाँ, हिंदुस्तान ने ये कहा, ये किया और ये अभी हो रहा है, और हमारी सपोर्ट होनी चाहिए नॉट जस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज बट डेवलप्ड कंट्रीज टू। हम कहते हैं वी विल बी द स्पोक्समैन ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो हमें पकड़ के हमें वो अचीव करना है, फिर हम दुनिया में हमारी पोजीशन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, और इसी को जिस तरह से आपने विकासशील देशों की भी बात कही है और विकसित देशों की भी बात कही है, और जिस तरह से विकासशील देशों के प्रति भी एक इक्वालिटी की आपने बात कही है कि वो होना चाहिए, उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, प्रधानमंत्री ने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, वो इसमें कितनी प्रासंगिक और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि वो हम पूरा देश ऐसे हम ऐसे ही जीते हैं, ये पूरा देश ऐसे ही जीते हैं, सो वी आर अ लिविंग एग्जांपल।
ऑफ वसुदेव कुटुंबकम बहुत बड़ी देश है, 1.3 बिलियन पीपल, और ऊपर नीचे तो होती है ऑफ कोर्स, बट वी मस्ट ओवरकम ऑल आवर हर्डल्स एंड वी मस्ट सेट द राइट एग्जांपल. वही है जो लोग को दिखा सकते हैं कि यस, इफ इंडिया कैन डू इट, वी कैन डू इट. डेवलप्ड देश और डेवलपिंग देश, डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज ऑल्सो, क्योंकि लोग कहते हैं ये ऑटोक्रेसी है ये है, पर मिलजुल के रहना वो तो सभी देशों की गोल है और सब लीडर्स की गोल है, वेदर यू आर ऑटोक्रेसी और नॉट. जैसे लोग को अपनी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी हाई नहीं होनी चाहिए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के हैं, बट मीडियम, जिसको लोग अपनी एजुकेशन होवे, घर होवे और थोड़ी ड्रीम्स अचीवेबल होनी चाहिए. तो बाय एग्जांपल वी कैन शो द वर्ल्ड. बहुत शुक्रिया मंजीत जी, तमाम जो आपने ये बातें साझा की हैं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक. आप देखते रहिए टीवी न्यूज. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान. लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा. प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड. AIC. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के दौरे पर हैं. राष्ट्रपति ने उलिहातू गांव में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी. इससे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेश बैंस और CM हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया. केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के योगदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है. राष्ट्रपति मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक जनजातीय समागम को संबोधित करेंगे. राष्ट्रपति शाम को भोपाल स्थित राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगे और रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखेंगे. बुधवार को राष्ट्रपति दिल्ली वापस आने से पहले भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी. अपने संदेश में पीएम ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को नमन किया. पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 15 नवम्बर की यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है. पीएम ने कहा, बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं थे बल्कि वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे. आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आदिवासी समाज में शौर्य भी है और प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है. पीएम ने कहा, इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है. पीएम ने आगे कहा, जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व है. देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा. साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन
देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में आयोजित समारोह में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार समेत अनेक सांसदों, मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनजातीय समुदाय के कलाकारों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। संसद भवन परिसर में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता राजेश राज ने समारोह का जायजा लिया। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में लगी उनकी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने माल्यार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया। अर्जुन राम मेघवाल, बी मुरलीधरन, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत अनेक जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें अकीदत पेश किया। जनजातीय समुदाय से आने वाले जो कलाकार हैं वो यहाँ पर मनमोहक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को स्थापित किया है और जो देश भर के जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जो जनजातीय समुदाय के जो कलाकार हैं वो कलाकार कहीं ना कहीं मनमोहक प्रस्तुति देकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत सरकार का ये प्रयास जो है जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल संसद भवन परिसर में जनजातीय समुदाय के कलाकारों के साथ नृत्य करने से अपने को रोक नहीं पाई। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं बातचीत के मुख्य अंश। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनजातीय समुदाय से आने वाले कलाकार जो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे उनके साथ नृत्य करने से भी अपने को रोक नहीं पाई। हमारे साथ अनुप्रिया हैं, कैसा लगा जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ आप रोक नहीं पाई अपने को और आप भी उसमें शामिल हो? जनजातीय संस्कृति भी भारत की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अपनी विविधताएं हैं, अपना सौंदर्य है और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है जिन्होंने आजादी के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी विरोध का बिगुल फूंकने का काम किया था। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ और आज मेरे जो मध्य प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आए हुए जनजाति भाई और बहनें हैं उनके साथ उनके पारंपरिक नृत्य का आनंद भी लिया, उनके साथ मुझे नृत्य करने का टूटा फूटा अवसर भी मिला और मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ, मुझे बहुत मजा आया। आपकी सरकार ने इन लोगों को सम्मान देने का भी काम किया, भगवान की जयंती जो है उसको भी शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की, उन्होंने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और देश के कोने कोने में हमारे बहुत सारे ऐसे जनजाति में जन्मे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था तो इसलिए उनकी स्मृति में इस जनजाति गौरव दिवस को मनाने की उन्होंने पूरे देश में घोषणा की। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और जनजातीय समुदाय से आने वाले जो कलाकार थे उनके साथ उन्होंने नृत्य भी किया, उनकी सुर में सुर भी मिलाने की कोशिश की। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रपति जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शहडोल में मौजूद संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य, किस तरह की तैयारियां, किस तरह का माहौल? बिल्कुल रमा, तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में, क्योंकि थोड़ी देर में, यूं कहें कि कुछ ही मिनटों में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल में। हमें याद होगा कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत भी मध्य प्रदेश की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और ठीक एक साल बाद। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंडाल में पहुंच चुकी हैं, और पंडाल के जस्ट पीछे जो है एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जहां पर सबसे पहले तो जनजातीय समाज के जो लोग थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन पर आज गर्व होना चाहिए, उनकी तस्वीर है उसमें। भगवान बिरसा मुंडा है उसमें, शंकर शाह है, रघुनाथ शाह है, टंटिया मामा है, ऐसे तमाम जननायक है जिनकी तस्वीरें लगी, उनको राष्ट्रपति ने देखा है। और उसके बाद एक मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से उसको भी दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको बता रहे हैं, उनको पूरा उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा एक्ट, सबसे चर्चा जिसकी हो रही है वो आज यही है कि पैसा एक्ट आज इसी मंच से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उसकी आधिकारिक शुरुआत करेंगी। दरअसल ये पैसा एक्ट की लंबे समय से मांग जनजातीय समाज के लोगों के द्वारा भी की जा रही थी। जल जंगल जमीन का जो मुख्य आधिपत्य अधिकार की अगर बात की जाए तो जंगलों में रहने वाले लोगों को मिले उसका, और इसको लेकर इस पैसा एक्ट में कई प्रावधान किए गए हैं। सबसे प्रमुख बात, तेंदुपत्ता संग्रहण का काम जनजातीय समाज करता है, और उसकी खरीदी बिक्री को सहकारी संस्थाएं जो होती है पहले वो देखती थी, लेकिन अब ग्राम सभाओं को सशक्त किया जाएगा उसके जरिए, और ग्राम सभाएं अब ये तय करेंगी खरीदी बिक्री का काम। साथ साथ कई और मुद्दे ऐसे हैं जनजातीय समाज के जो लगातार उनकी मांग उठती रहती थी। ग्राम सभाओं को मजबूत करने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो जनजातीय क्षेत्र, बहुल क्षेत्र के जो गांव है, वहां पर स्थानीय स्तर पर ही निर्णय हो, स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हो, ये पैसा एक्ट के जरिए रमा काम करने की कोशिश मध्य प्रदेश ने की है। वारिसों का निर्धारण जो होता है वो कई बार प्रशासन के पास जाना पड़ता है, लेकिन वो भी ग्राम सभाओं के स्तर पर ही रमा हो जाए। इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लोगों की गतिविधियां चलती हैं, उसकी चाहे वो फीस निर्धारण की बात हो, मेलों के, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के, या फिर स्थान की बात हो, तो वो भी ग्राम सभाएं अपने स्तर पर कर पाएंगी। ये कह सकते हैं कि जनजातीय समाज के लोगों के लिए रमा किस तरीके से उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और कैसे उनके अधिकारों को उनको दिलाया जाए, क्योंकि लंबे समय से देश में इस तरह की चर्चाएं थी, लेकिन कुछ वर्षों से देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर लगातार काम कर रही। रमा, बिल्कुल, जो लंबित मांगे हैं वही पूरी नहीं हो रही, बल्कि विकास के नए आयाम भी प्रस्तुत किए जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। बृहस्पतिवार तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल शाम को समाप्त हो गया। राज्य की 182 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। इस चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। इस बीच निर्वाचन आयोग वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सरल और बाधा मुक्त मतदान सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव का शोर अब जोर पकड़ने लगा है। नामांकन के साथ ही प्रचार का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। आखिरी दिन तमाम नेताओं ने पर्चे भरे। सोमवार को क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा नेता रिबाबा जडेजा ने जामनगर सीट से नामांकन दाखिल किया। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला को पुलिस ने आज उस जगह ले जाया गया जहां उसने श्रद्धा को बेरहमी से हत्या कर ठिकाने लगाया था। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा की आफताब से मुलाकात डेटिंग ऐप से हुई, जिसके बाद दोनों 2018 में साथ आए और इस साल 8 मई को दिल्ली के छतरपुर में फ्लैट में साथ रहने लगे। 18 मई को दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा का गला घूंटकर हत्या कर दी।
आरोपी ने क्रूरता की हद पार करते हुए श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में कर दिया और दिल्ली में कई दिनों तक फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार किया है। और हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीरज, बेहद जिसे कहते हैं गंभीर और विभत्स हत्याकांड इसे कह सकते हैं, किस तरह से अब इसमें जांच काम और आगे बढ़ी है? देखिए, बिल्कुल रमा, विभत्स कह सकते हैं क्योंकि एक शख्स है जिसने 35 टुकड़े किए और उस के टुकड़े किए जो उसके साथ लंबे समय से रह रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता उस शख्स की रही है। अब दिल्ली पुलिस इसकी जो जांच है वो हर एंगल से रमा कर रही है। जो आरोपी है उसको लेकर मेहरौली के जंगल में है, वहां पर भी पुलिस गई है। इसके अलावा उसकी जो तमाम लोकेशंस हैं उनको भी जो दिल्ली पुलिस है वो ट्रैक कर रही है। इसके साथ ही उसके जो साथी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि जो प्लानिंग से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से शवों को काटा गया है, रखा गया है और लंबे समय से लगातार ये एक एक करके टुकड़ों को फेंक रहा था जंगलों में, तो इसका कोई ना कोई साथी या सहयोगी जरूर रहा होगा। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस इसकी जो सोशल जो अकाउंट है इसके उनको भी खंगाल रही है। इसके अलावा इसकी जो कॉल डिटेल है उनको खंगालने की कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ जो लोकेशंस हैं और जिस चॉपर का प्रयोग किया गया था उसको खोजने की भी कोशिश है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। जो हमारी जानकारी है दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी इस शख्स के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, तो आप समझ सकती हैं कि कितने विभत्स तरीके से इसने हत्या को अंजाम दिया। रमा, नीरज, अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, अभी तक की जांच में ये पता लगा है कि इस शख्स ने हत्या की है, इसने कबूल लिया है दिल्ली पुलिस के सामने। इसके साथ साथ ही प्रॉपर प्लानिंग से ये हत्या की गई है और आपने देखा होगा कि किस तरह से मुंबई से ये हिमाचल घूमने गए, हिमाचल के बाद फिर दिल्ली आए, दिल्ली के बाद ये कुछ दिन तक लॉज और होटल में रहे, उसके बाद मेहरौली के पास ये लोग शिफ्ट हुए हैं। 3 दिन के अंदर ही झगड़ा हुआ है और हत्या कर दी गई श्रद्धा की। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और अभी तक जैसा कि मैं बता भी रहा था कि दिल्ली पुलिस के सामने इसने स्वीकार भी किया है कि उसने इसकी हत्या की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के सामने ये है कि एक तो सबूतों को इकट्ठा करे और इसके साथ साथ ही जो फॉरेंसिक जांच के लिए कई सारे जो सामान है वो दे दिए गए हैं, जो हड्डियां मिली हैं उसकी भी फॉरेंसिक जो जांच है वो हो रही है, इसके मोबाइल को भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किन किन लोगों के ये संपर्क में था। तो इस एंगल से पुलिस लगातार मामले की पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज आसपास के इलाके जहां पर ये रहता था और इसके अलावा जो पड़ोसी हैं उनके जो बयान है वो दिल्ली पुलिस अब दर्ज कर रही है। नीरज, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु विषय पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय संवाद में कहा कि यदि विश्व धरती को विनाशकारी परिवर्तनों से बचाना चाहता है तो विकासशील देशों में वित्त और प्रौद्योगिकी अवश्य होनी चाहिए। जलवायु वित्त संबंधी मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 तक विविध स्रोतों से $100 अरब जुटाने की विकसित देशों की वचनबद्धता अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है, जबकि ये बहुत छोटी रकम है। यादव ने कहा कि पारदर्शिता और विश्वास इस मामले पर सभी बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की स्पष्ट परिभाषा से पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, जो रचनात्मक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की सार्थक परिभाषा निर्धारित करने के लिए आगे काम करने की जरूरत है। दो दिवसीय पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 के तीसरे संस्करण की आज से शुरुआत हो रही है। इस राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में 26/11 के बाद से समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उठाए गए अनेक कदमों की पुष्टि करने के लिए की गई थी। सी विजिल की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करना है। यह अभ्यास पूरे
7,516 किलोमीटर के समुद्र तट और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किया जाएगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक बल और अन्य ऐसे मंत्रालयों के साथ मिलकर समन्वय पूर्वक किया जा रहा है जिनका कार्य समुद्री गतिविधियों से संबंधित है। सी विजिल और ट्रोपेक्स एक साथ पूरे स्पेक्ट्रम में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कवर करेंगे। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियां सी विजिल अभ्यास में भाग लेंगी। रक्षा मंत्रालय के अलावा इस अभ्यास के संचालन में गृह मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और केंद्र राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा भी मदद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा ने मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही चार राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के लिए भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राजस्थान के सरदार शहर से अशोक कुमार पिंचा को उम्मीदवार बनाया है। बिहार के कुरहानी विधानसभा सीट से केदार प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम को बनाया है। उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा सीट खतौली से राजकुमारी सैनी और रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर नदी में बाढ़ से संबंधित एक याचिका पर पंजाब हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस MR शाह ने दोनों राज्यों के वकीलों से कहा कि अपनी सरकार को बताएं कि यहां राजनीति नहीं है, जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे। जस्टिस शाह ने कहा कि आम आदमी की बैठकों में दिलचस्पी नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि वास्तविक कदम क्या है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बृहस्पतिवार से काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। भारत सरकार के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी मेज़बानी करेगा। ये कार्यक्रम देश के लोगों के बीच मेलजोल और बंधुत्व को मजबूत करेगा। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की बेल मामले में दिल्ली कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। इससे पहले उनकी बेल पर गुरुवार को फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसले के लिए 11 तारीख तय की थी। लेकिन 11 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्ट्रेस की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। हालांकि उनकी इंटरिम बेल 10 नवंबर को खत्म हो गई थी। वहीं मंगलवार यानी आज एक्ट्रेस की रेगुलर बेल पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में आज ताज़ा हिमपात हुआ। बर्फबारी होने के चलते तापमान लुढ़क गया। बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है और ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। जैसे जैसे कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में तापमान और कम होता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश हुई है। सोमवार को शिमला के नारकंडा और पर्यटन नगरी मनाली में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। सुबह मनाली में बर्फ के फाहे गिरे। पर्यटकों ने होटलों से बाहर आकर बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं रोहतांग दर्रे में 2 फीट के करीब बर्फबारी होने की सूचना है। कुल्लू लाहौल की पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। कई स्थानों पर भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई है। PWD, RNB विभाग, मुगल रोड डिवीजन द्वारा मुगल रोड को खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम कर रहा है। बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है, जिससे ये रोड बेहद खतरनाक हो जाती है। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DG न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है AIC से
फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। और मीडिया प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बनाने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 94 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत सहित 73 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव के पारित होने पर रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का जिम्मेदार माना जाएगा और उससे यूक्रेन में हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में अमेरिका और चीन द्वारा परमाणु खतरों की संयुक्त निंदा की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने बाली में लंबे समय से प्रतीक्षित बैठक में दोहराया है कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को क्षतिपूर्ति के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान की भी सराहना की। और अब वक्त है, देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों के साथ गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है खास आज खेल जगत में? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे निशानेबाजी की खबरों के साथ, जहां पर बहुत अच्छी खबर निकल कर भारत के लिए आ रही है। भारत के एयर राइफल निशानेबाजों ने कोरिया के डाइगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपने दबदबे को कायम रखा है। प्रतियोगिता के चौथे दिन जूनियर और सीनियर दोनों 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करते हुए पदक अपनी झोली में डाले। मेहुल घोष और अर्जुन बबूता ने सीनियर के स्वर्ण पदक मैच में 16-10 से किरण अंकुश जाधव और इलावेनल वलारिवन पर जीत दर्ज की, जबकि जूनियर स्पर्धा में दिव्यांश सिंह पवार और रमिता ने हमवतन श्री कार्तिक सबरीराज रविशंकर और नैन्सी को 17-11 से हराया। वहीं पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में भारत के संदीप बिश्नोई ने स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। भारत की ही कनिष्का डागर ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर यूथ एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक को जीतने में सफलता हासिल की। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल और दिग्गज तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को टीम से बाहर कर दिया है। वहीं उनकी जगह पर फिन एलेन ही अब दोनों फॉर्मेट में टीम के लिए शुरुआत करते दिखेंगे। भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 18 नवंबर से होने जा रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दोनों सीरीज के लिए 13-13 खिलाड़ियों की टीम घोषित की है। केन विलियमसन दोनों टीमों की कप्तानी करते दिखेंगे। टीम बुधवार को ट्रेनिंग के लिए वेलिंगटन पहुंच जाएगी। 23 साल के युवा ओपनर एलन ने अब तक 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 8 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसमें उन्होंने 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। अब बात कर लेते हैं टेनिस की, जहां पर सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जीत के साथ शुरुआत की है। अपने पहले मैच में जोकोविच ने स्टेफनोस सित्सिपास को हराने में सफलता पाई। जोकोविच ने स्टेफनोस सित्सिपास को 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। 21 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने अस्ताना, कजाकिस्तान और पेरिस मास्टर्स में सित्सिपास को हराया था। सित्सिपास पिछले 3 साल से अधिक समय से जोकोविच को हरा नहीं पाए हैं, यानी कि जोकोविच का जो दबदबा है वो कायम है। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले 8 स्टेडियम खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला दोहा के लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में ये स्टेडियम क्यों है खास और क्या कुछ है इसकी खासियत, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के शुरू होने में अब महज चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में जहां एक ओर पूरे कतर में तैयारी का रंग अपनी एक अलग पहचान साबित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मैच की मेजबानी करने वाले स्टेडियम भी पूरी तरह से तैयार हैं फुटबॉल के महाकुंभ के लिए। कतर में स्थित लुसैल स्टेडियम का लुक लोगों को बेहद भा रहा है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
इस स्टेडियम की डिजाइन की बात करें तो इसका बाउल शेप इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। 80,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम सेंट्रल दोहा से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। इस स्टेडियम में फाइनल मैच के अलावा 6 ग्रुप स्टेज मैच आयोजित होंगे, जबकि राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का एक एक मुकाबला भी यहां पर खेला जाएगा। इस स्टेडियम में विश्व कप के दौरान पहला मुकाबला अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच आयोजित होगा, जो कि 22 नवंबर को खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जहां गर्मी को दूर करने के लिए खास किस्म के कूलिंग सिस्टम हैं। इस स्टेडियम का निर्माण साल 2017 में हुआ था, जो कि बीते साल 2021 में बनकर तैयार हुआ। लुसेल स्टेडियम में 9 सितंबर 2022 को सऊदी अरब और मिस्र के बीच सुपर कप का मैच खेला गया था, जो कि विश्व कप से पहले एक रिहर्सल मैच था और जिसकी शानदार तरीके से इस स्टेडियम ने मेजबानी की थी। लुसेल स्टेडियम को इसकी डिजाइन और निर्माण के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रणाली द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। जाहिर तौर पर विश्व कप के समय ये स्टेडियम विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, जो कतर के इस सबसे बड़े स्टेडियम को नया आयाम देगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और अब हेरिटेज वॉक में आज हम आपको ले चलेंगे हरी भरी वादियों से घिरे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की बड़ी आबादी के साथ हजारों पक्षियों की चहचहाहट पक्षियों पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हरी भरी वादियों से घिरा असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों की चिंगार, शेरों की दहाड़ और मोरों के मनमोहक दृश्यों से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सदाबहार वन प्राकृतिक सुंदरता के कई रंग बिखेरते हैं। इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की बड़ी आबादी के साथ हजारों पक्षियों की चहचहाहट पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित काजीरंगा उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। घास और जंगलों के अलावा यहाँ लिली, कमल के फूल सूरज की रोशनी में अपनी लालिमा बिखेर देते हैं। लगभग 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये उद्यान प्राचीन मंदिरों, शुद्ध पानी के झरनों और हरे भरे चाय के बागानों से वातावरण को बेहद ही खूबसूरत बना देता है। अब हम आपको इसराइल के वॉल्केनी संस्थान में चल रहे एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे जिससे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया को फूड सप्लाई क्राइसिस से बचाया जा सकेगा। धरती पर बढ़ते तापमान का प्रभाव सबसे ज्यादा फसलों पर देखा जा रहा है, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने भी एक चेतावनी दी है, जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन ग्लोबल एग्रीकल्चर के प्रति घातक साबित हो सकता है। इसी बीच भविष्य में बढ़ते तापमान के चलते प्रभावित होने वाली वर्ल्ड फूड सप्लाई से निपटने के लिए इजराइल के वॉल्केनी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक तरीका ढूंढ निकाला है। वो इजराइल के घरेलू जंगली फसलें जिनमें गेहूं, वाटरमिंट, जौ इत्यादि शामिल हैं, उनके बीजों से डीएनए निकालकर उन्हें फ्रीज कर प्लांट जीन बैंक में रख दिया जाएगा, ताकि बाद में इनकी विशेषताओं का उपयोग खेती की फसलों में करके उन्हें बीमारी या सूखे का सामना करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। दरअसल हम एक लचीले जर्म प्लाज्म और किस्म किस्म के गेहूं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव का सामना कर सके और आखिर में एक स्थिर उपज किसानों और लोगों को दे सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि इजराइल का जीन पूल खास है, जो एक ऐसे क्षेत्र से आता है जिसे कभी फसल की खेती का जन्म स्थान भी कहा जाता था। बढ़ते तापमान और वर्ल्ड फूड सप्लाई को लेकर चल रही ये कोशिश सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि विश्व भर के लिए एक बेहतरीन पहल साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।